मौलाना फजल रहमान ने सियासी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। उनका कहना था कि हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है, लगता है अब जाकर इस काबिल हुए हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अगर सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत दे दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। जदोजहद का फैसला किया है और माजी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मजीद ना हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरक अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। बाकायदा असम्बलियाँ जो हैं वो खरीदी गई हैं, तो इस तरीके से कौन सियासत करेगा जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब अवामी असम्बलियाँ आने वाले हालात में इसी की अहमियत होगी कि आपके पास स्टेट पावर क्या है। और अभी भी मैं सोचता हूँ कि अगर ये लोग आने वाले मुस्तकबिल में ऐसी ज़मानतें फराहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपने शख्स पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने तो कभी इनकार नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब आते हैं, एक दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा आए, तीसरी दफ़ा आए, मैं नवाज शरीफ साहब आए, जो भी आता है मैं तो अपने घर में उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनकी इज़्ज़त देता हूँ। लेकिन उनके पास है क्या, उनके पल्ले क्या है,